अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद इकबाल रेहान, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर अगर हमारा गूगल के ऊपर एक ब्लॉग है या हमारी एक वेबसाइट है, तो हम उस वो ब्लॉग किस तरह बना सकते हैं, उस ब्लॉग पर हमने टेम्पलेट किस तरह सेट करना है और स्टेटस उसका किस तरह प्रव्यू करना है कि हमारे पेज पर कितने व्यूज़ है। ये तो हमारी पिछली वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, आप तरतीब से उन तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा एक ब्लॉग या हमारी वेबसाइट है तो उस पर कुछ लोग कमेंट्स भी करेंगे, जब व्यूज़ आना शुरू हो गया हम पोस्ट करेंगे तो उस पर कमेंट्स भी आएंगे, तो हमें कमेंट्स के साथ किस तरह डील करना है, हम किस तरह से कमेंट्स का जवाब दे पाएंगे। अगर आप यहाँ पर इस तरह से आप पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएगा कि इस जो है पोस्ट पर इतने कमेंट्स हैं, इतने व्यूज़ हैं। लेकिन जैसे ही आपकी पोस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो ये दो तीन चार पेजेस पर चली जाएंगी, तो वहाँ से हर एक को आपको देखना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने देखा है तो यहाँ पर दो कमेंट्स हैं, ये चार कमेंट्स हैं, ये दस कमेंट्स हैं, तो नेक्स्ट टाइम 10-15 कमेंट्स हो जाएंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस पोस्ट के 15 कमेंट्स पहले थे और अब 17 हो गए हैं, या इसके 10 थे और अब इसके 12-15 हो गए हैं, तो कैसे पता चलेगा। और इसका बेहतरीन सलूशन जो है वो गूगल डैशबोर्ड पर मौजूद है, आपने जस्ट कमेंट्स के बटन पर क्लिक करना है। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दूसरे ब्लॉग पर जाकर प्रव्यू करवाऊँगा कि किस तरह से हमें कमेंट्स के साथ डील करना है। लेकिन दूसरे ब्लॉग पर जो गूगल वालों का डैशबोर्ड है वो थोड़ा चेंज है, क्योंकि पुराना जो डैशबोर्ड था वो नए डैशबोर्ड से थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने इसी डैशबोर्ड पर ही आपको समझाना बेहतर समझा। क्योंकि ऐसा हो कि आपके सामने कोई और डैशबोर्ड हो, मैं किसी और पर समझा रहा हूँ, तो फिर आपके लिए समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए मैं आप न्यू वाले डैशबोर्ड पर आपको समझा रहा हूँ। इस तरह अगर आप देखेंगे तो इस तरह आपके सामने कमेंट शो हो रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह जो लेटेस्ट जितने भी होंगे वो इस तरह टाइम साथ लिखा होगा और टाइम के साथ इस तरह वो पोस्ट हो रही होगी। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लास्ट जो है कमेंट्स का जवाब देना है, तो आप जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे उस पोस्ट के ऊपर, जो लिंक दिया गया होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपके सामने जो है वो शो हो जाएगा। ये कमेंट्स हमारे सामने शो हो रहा है, हम इसका अभी अगर यहाँ पर हम न्यू कमेंट्स डालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और डाल दीजिए, अगर और यहाँ पर से पब्लिश कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी कमेंट्स का इस बंदे को रिप्लाई किया जाए जिसने ये कमेंट किया है, तो हम यहाँ से जाकर उस कमेंट्स का जवाब भी दे सकते हैं। जो कुछ भी आपने लिखना है रिप्लाई में, वो लिखने के बाद आपको उसको पब्लिश कर दें और उसकी पोस्ट के नीचे जो उसने कमेंट किया होगा उसकी कमेंट के नीचे उसे रिप्लाई चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज्ड रह सकते हैं और उसे अपनी कमेंट्स का उनके कमेंट्स का जवाब दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ताकि जितने आप कमेंट्स के अपने ऑडियंस के साथ अटैच रहेंगे, नेक्स्ट टाइम उतने ही व्यूअर्स आपके ब्लॉग पर आएंगे और इस तरह से वो जो है एक्टिव यूज़र होते जाएंगे, जो कि सिर्फ आप ही के ब्लॉग पर आएंगे, आप ही से वो जो है मदद हासिल करना या हेल्प जो भी उन्हें चाहिए होगी वो आपसे ही हासिल करेंगे, कहीं और जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं होगी अगर आप अच्छी तरह से उन्हें गाइड करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी जो है ऑडियंस का जवाब दे सकते हैं। थोड़ी देर के बाद पब्लिश हो जाएगा कमेंट्स और शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर अपना कमेंट्स कोई और इसी के मुताबिक डालना चाहते हैं, ये सब के लिए डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर कमेंट लिखिए और पब्लिश कर दीजिए। तो इस तरह हम कर सकते हैं अपने कमेंट्स के साथ डील। और अब अगर कोई ऐसा ईमेल है जो कि स्पैम है, स्पैम ऐसा है कि जो कि आपके ब्लॉगर के लिए खतरा हो सकता है, तो गूगल डायरेक्टली उसे आपके पब्लिश नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है जो आपके ब्लॉग पर आकर आप अपनी वेबसाइट की या अपने किसी लिंक की शेयरिंग करना चाहते हैं और गूगल चाहता है कि वो शेयर आप गूगल जो लिंक है वो आपके ब्लॉग के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो वो आपके सामने शो नहीं होगा बल्कि स्पैम में चला जाएगा। वहाँ से आप उसे देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप चलाओ कर दें तो वो पब्लिश हो जाएगा, अगर आप डिलीट कर दें तो वो आप वहाँ से डिलीट हो जाएगा या वो आपके ब्लॉग पर शो नहीं हो जाएगा। तो अगली वीडियोस में फिर बाकी चीज़ों के बारे में ब्लॉग में बात करेंगे, पेजेस हैं, लेआउट है। तो इस वक्त के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियोस तक के लिए तब। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर चैनल पर बाकी वीडियोस को भी देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अगली वीडियोस तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।